अस्सलामु अलैकुम डियर्स, आज के इस वीडियो में हम शेयर करेंगे डिज़ाइनिंग साथी, आप लोग किस तरह से तैयार कर सकते हो। इस वीडियो में कॉलर नेक फ्रंट पे जो डिज़ाइन है वो सब एक वीडियो में आप लोगों को मैं दिखाऊंगी। सबसे पहले यहाँ पे 7 इंच पे हमने मार्क किया शोल्डर के लिए, आर्म होल के लिए हमने मार्क किया है 7 इंचेस लेकर यहाँ पर हम इसको दाग ड्रॉ कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे शोल्डर का जो स्पेस है वो हमने रखा 4 इंच और नेक के लिए रखा हमने 3 इंच। यहाँ पे 6 इंच पे हम मार्क करेंगे जो हमारा नेक का लंबाई होगा और यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देंगे इस तरह से। अगर आप लोग चाहो इससे कम या फिर छोटा ज़्यादा आप लोग कर सकते हो। यहाँ पे 1/2 सेंटीमीटर हमने मार्क किए थे और यहाँ पर हम इसको इस तरह से मार्क कर देते हैं। चेस्ट के जो यहाँ पे जो आर्म होल है 1 इंच पे एक मार्क करेंगे, करके यहाँ पे एक राउंड सा शेप दे देंगे इस तरह से। और जो चेस्ट मेजरमेंट है वो आप लोगों को लेकर 4 से डिवाइड करने के बाद जो मेजरमेंट आएगा उससे आप लोग 1 इंच एक्स्ट्रा लो। यानी कि यहाँ पे हमने, मेरी आती है 9 इंच, तो हमने यहाँ पे 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है स्टिचिंग के लिए। यहाँ पे हम 1/2 इंच पे एक मार्क करेंगे जो हमारा फ्रंट का पार्ट होगा। यहाँ पे 2 पीसेस हम एक साथ कटिंग कर रहे हैं, पर जब हमारी ये कटिंग हो जाएगा फ्रंट पार्ट को हम निकाल के अलग सा कटिंग कर लेंगे। ऊपर का जो वेस्ट तक जो लंबाई है हर एक का डिफरेंट होती है, हमने यहाँ पर लिया है 14 इंच, अगर आप चाहो तो ये ले सकते हो। और यहाँ पे हम बेसिकली वेस्ट के लिए हम लेते हैं 8 इंच और 1 इंच हम लेंगे एक्स्ट्रा स्टिचिंग के लिए, तो यहाँ पे हो गई है 9 इंच। वेस्ट से लेकर हिप का जो डिस्टेंस है वो हमने यहाँ पे लिया है 6 इंचेस। लेकर इसका जो लंबाई है यानी कि इसका जो चौड़ाई है हमने लेंगे, नॉर्मली लेते हैं हम यहाँ पे 11 इंच, तो यहाँ पे हम लेंगे 12 इंच, 1 इंच एक्स्ट्रा स्टिचिंग के लिए। क्योंकि ये कॉटन फैब्रिक है, इसको जब आप लोग वॉश करोगे ये छोटा होगा। सो बेसिकली आप लोग क्या करोगे, यहाँ पे अगर 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हो तो जब ये छोटा भी हो जाए आप लोग चाहो तो इसको स्टिचिंग को खोल के आप लोग इसको बड़ा कर सकते हो। अब हम यहाँ पे जो डॉट्स लाइंस हैं हम इसको एक कर लेते हैं और इसको एक शेप में ले आते हैं। और जहाँ पे हमारा वेस्ट हिप का मेजरमेंट था वहाँ से लेकर हम नीचे तक एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे, देकर यहाँ पे हम इसको कट कर लेंगे। ये टोटली ब्लैक कलर का फैब्रिक हमने लिए हैं और यहाँ पे फ्रंट पे जो डिज़ाइन हम देंगे इसे एक अलग सा डिज़ाइन आएगा और देखने में भी बहुत अच्छा लगेगा। और बेसिकली समर के लिए मैं ये बना रही हूँ, आई होप ये डिज़ाइंस भी आप लोगों को अच्छा लगेगा। तो नीचे से हम हमारा जो बैक पार्ट का था फैब्रिक उसको हम निकाल के फ्रंट पार्ट से इस तरह से इसको 1/2 इंच का कट कर दे रहे हैं जो हमने पहले ड्रॉ कर रखे थे। जब ये हो जाए उसके बाद हमारा नेक जो है मुझे लगा थोड़ा कम है, सो शोल्डर से लेकर 8 इंच का एक कोना निकाल के हमने रखा और यहाँ पे 7 इंच पे एक मार्क कर देते हैं। देखिए यहाँ पे हम एक राउंड शेप दे देंगे। इस तरह से तो ये हमारी हो गई है। अब हम क्या करेंगे, इसको कट करेंगे। तो ये हो गई है। अब हम क्या करेंगे, हमारी जो डिजाइन है यहाँ पे हमने लिए हैं 4.5 इंच पे, इसका लंबा चौड़ाई यानी कि स्क्वायर शेप में हम कटिंग कर लेंगे। उसके बाद हम स्ट्रिप लेंगे 2 जो हमारी हाथों का बॉर्डर होगा। लंबाई हमने अब इसका जो घेर है वो हमने लिया है 13 इंच का और 1 इंच है इसका लंबाई यानी कि जो बॉर्डर का चौड़ाई होगा वो। लेकर इसको अच्छी तरह से हमने बॉक्रम को इसको लगा लिया है। लगाने के बाद अब हम इसको इस तरह से रख के हम ड्रेस पे अटैच करेंगे, वो भी मैं आप लोगों को बताते जाऊँगी जब हम स्टिचिंग करेंगे।
यहाँ पे हमने लिए है 15 इंच जो हमारी 14 इंच जो हमारी स्लीव इसका लंबाई है, और इसका लंबाई हमने लिया है 11 इंच इस तरह से। लेकर यहाँ पे हम लोगों का स्लीव इसका एक शेप देना होगा। तो नीचे से हम क्या करेंगे, 2.5 इंच पे हम एक मार्क करेंगे, इस तरह से रख के यहाँ पे एक शेप दे देंगे इस तरह से। और जो हाथों का घेर है वो हम लेंगे, नॉर्मली हम लेते हैं 6 इंच, 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे स्टिचिंग के लिए, और उसके बाद इस लाइन को हम ड्रॉ करके इसको कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारी हो गई है। अब हम क्या करेंगे, हमारी जो यहाँ का जो टॉप पार्ट है इस यहाँ के, यहाँ पे एक पत्ते के जैसे हम शेप दे देंगे इस तरह से, और इसको कट कर देंगे। ये होगा हमारी स्लीव, मानी जो हमारी ड्रेस है कुर्ती है उसका फ्रंट पे रहेगा ये स्लीव इसका पार्ट। और जो बॉर्डर हमने बनाई थी वो बॉर्डर हमें यहाँ पे इसको लगाना होगा। तो अब हम क्या करेंगे, हम स्टिचिंग के लिए चले जाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ से हमें 12 इंच पे क्रॉस देंगे सेंटर पे, जहाँ पे हमारी जो डिजाइन्स है वो अटैच करेंगे ये इस तरह से। और यहाँ पे हमने फोल्ड करके इसको स्टिच आयरन कर लेना है। और अब हम बॉकरम को कटिंग करेंगे, जिस तरह से हम लोग फैब्रिक को फोल्ड करते हैं कमीज के लिए, ठीक वैसे ही हम लोगों को इसको फोल्ड करके इस तरह से शेप देकर 1.5 इंच का एक बॉर्डर हम बनाएंगे, बना के यहाँ पे एक राउंड शेप दे देंगे। यहाँ पे हमने दोनों पीसेस को एक साथ कटिंग किए हैं, फ्रंट और बैक पार्ट दोनों का। अब हम क्या करेंगे, हमारा जो बॉकरम है वो हम डायरेक्ट ड्रेस में लगाएंगे, यानी कि कुर्ती पे लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हम एक बॉर्डर देंगे 1/2 इंच का। सो इसीलिए हमें जो बॉर्डर का पार्ट है वो थोड़ा हार्ड चाहिए, इसलिए हमने इसको ड्रेस के ऊपर हमने लगा लिया है। लगाने के बाद जो सिल्क फैब्रिक है ग्रीन कलर का वो हम इसके ऊपर इस तरह से रखेंगे, रख के हम इसको पिन से चारों तरफ से इसको ब्लॉक कर देंगे, वरना स्टिचिंग के समय आप लोगों को दिक्कत हो सकती है। और यहाँ पे 1/2 इंची पे हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे जहाँ पे हमारी स्टिचिंग होगा, और एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम यहाँ पे कटिंग कर लेते हैं। और यहाँ पे इसको अच्छी तरह से हम लोग आयरन कर लेंगे, यानी कि जब हम लोग स्टिचिंग करेंगे तब हमें कोई भी दिक्कत ना हो इसीलिए। उसके बाद हम इसको पिन से इसको ब्लॉक कर देंगे। और इसे हम यहाँ पे स्टिच कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारी ये स्टिच हो गई है। जब ये स्टिच हो जाए उसके बाद हमें इसके ऊपर एक चाप स्टिच भी देना होगा, और जो चाप स्टिच है वो हमें ब्लैक कलर के ऊपर देना हो, यानी कि जो हमारी ब्लैक कलर का फैब्रिक है इसके ऊपर हमें इसको बहुत ही नाजुक से यहाँ पे देना होगा, क्योंकि ये जो सिल्क फैब्रिक है अगर उसके ऊपर हम लोग स्टिचिंग करते हैं तो ये विजिबल होगा और दिखने में बहुत ही ख़राब लगती है, अच्छा नहीं लगता है। सेम हम इस नेक पे भी करेंगे, 1/2 इंच का जो हमने मार्क किए थे वहाँ पे हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं। और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम कटिंग कर लेंगे। और सेम प्रोसेस में हम यहाँ पर भी आयरन से इसको अच्छी तरह से फ्लैट कर देंगे इस तरह से। तो हमें जब ये हम बॉर्डर स्टिच करेंगे हमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी।
उसके बाद हम इसको इस तरह से अंदर की तरफ देखकर पिन से इसको ब्लॉक कर देंगे। तो आप लोग देखो कितना अच्छी तरह से ये बॉर्डर जो है वो शेप में आ रहा है। और हम यहाँ पे इसको पिन से ब्लॉक कर लेंगे। सेम प्रोसेस में हम पूरे राउंड पे हम इसे पिन से ब्लॉक कर देंगे, यानी कि जब हम लोग स्टिचिंग करेंगे तब हमें कोई दिक्कत ना हो। अब हम यहाँ पर भी सेम चीज़ करेंगे, फैब्रिक के ऊपर जो ब्लैक कलर का फैब्रिक है उसके ऊपर हम यहाँ पे स्टिच कर लेंगे। तो ये हमारी हो गई है, सेम हम जो हमारा बैक पार्ट है वहाँ पर भी हम लोग स्टिचिंग कर लेंगे। और तो जो शोल्डर्स हैं हम एक साथ रख के इसको स्टिच कर लेंगे। और जो आप लोग बैक साइड पे देख सकते हो जो कपड़ा एक्स्ट्रा है वो हम हैंड से स्टिच करेंगे जब हमारी जो ये कमीज है वो कंप्लीट हो जाएगा तब। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये इसको चारों तरफ से हमने इसे आयरन करके लिया है और पीछे से हम फैब्रिक ग्लू लगा के इसके सेंटर पे हम लगा देते हैं। इस तरह से लगाने के बाद इसको आयरन करके थोड़ा फ्लैट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम 4 इंच का 3 लाइंस देंगे जहाँ पे हमारी जो छोटे छोटे पार्ल होंगे वो लगाएंगे हम। जब ये ग्लू जो हमने लगाया है वो पूरी तरह से सूख जाए उसके बाद हम यहाँ पे इसको स्टिच कर लेंगे, क्योंकि अगर हम पहले करते तो यहाँ पे ये सेंटर पे नहीं होता है। अगर आप लोग ग्लू से इसको लगा के करते हैं तो फाइनल जो लुक है वो बहुत ही अच्छा आता है। तो यहाँ पे हमारी ये स्टिच हो गई है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस डिज़ाइन को बहुत ही यहाँ पे एक कनकन भी आप लोग कह सकते हो इसको, बहुत सारे नाम से इसको पुकारते हैं। सो हमने क्या किया, इसको पहले इसे ब्लॉक करके यहाँ पे हमने जो कलरफुल हमने लिए हैं मल्टी कलर का यहाँ पे इसको लगा लेंगे। 3 या फिर 4 पीसेस को लेकर हम यहाँ पे इसको लगा लेंगे। इसी तरह से हमें 3 लाइंस करना है इस तरह से। तो इस तरह से हम लोगों को कंप्लीट करना है 3 लाइंस। तो ये है फाइनल लुक जो आप लोग देख सकते हो, 3 मैंने लगा लिया है। वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा इसके लिए मैंने प्रोसेस आप लोगों को दिखा दिया। अब हम क्या करेंगे, हमारा जो स्लीव है उसको हम अटैच कर लेंगे। ये है हमारा शोल्डर के साथ हम लोग स्लीव को अटैच कर लेंगे। और ऊपर से लेकर यानी कि हाथों का जो घेर है कोने उस वहां से लेकर हमारी जो हिप का ओपन वाला पार्ट होता है कमीज का वहां तक हम लोग स्टिच करके ले जाएंगे। तो यहाँ पे हमारी जो खुला हुआ पार्ट होती है कमीज का वो जिस तरह से हम लोग करते ठीक वैसे ही करते हैं। बट जो लोग नए हो वीडियो में दिखाने के लिए, उन लोगों की सुविधा के लिए मैं आप लोगों को प्रोसेस थोड़ा दिखा देती हूँ। सबसे पहले यहाँ पे मैं आयरन करके फोल्ड कर लूँगी 1/2 इंच का। लेके यहाँ पे इसको इस तरह से पिन से ब्लॉक कर दूँगी। सेम चीज हमें दूसरा वाला हिस्से पे भी करना है। और हम यहां पर भी सेम प्रोसेस करके इसको पिन से ब्लॉक कर देंगे। अब हम यहाँ पे इसको आयरन कर लिए हैं, अब हम इसको डायरेक्ट स्टिचिंग पे चले जाएंगे। तो हम यहाँ पे स्टिच कर रहे हैं,
यहाँ पे हमने दो स्टिच देना है, एक अंदर की तरफ और एक बाहर की तरफ। तो इसी तरह से हमारा ये दोनों साइड जब स्टिचिंग हो जाए, हमारा ये ड्रेस कंप्लीट हो गई है। सो आई होप गाइस ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा। अगर मेरी ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करना और सब्सक्राइब करना मेरी चैनल को। और आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा और ये डिज़ाइंस आप लोगों को कैसा लगा कमेंट के दौरान मुझे बता सकते हो। सो अगर आप लोगों का जो लोग नए हों उन लोगों को रिक्वेस्ट करूँगी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और पास में जो बेल बटन है उसको ज़रूर क्लिक करना, तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों के पास चला जाएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। बाय।